नमस्कार। सीसी व्याख्यानों की श्रृंखला में हम जिस विषय को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे वो था मार्गी संगीत और देशी संगीत। मार्गी संगीत के विषय में विस्तार से हम आपको बता चुके हैं। देशी संगीत के अंतर्गत हमने आपको बताया कि देशी संगीत जो है वो परिवर्तनशील रहा, यानी जो उसका पहले आरंभिक जो स्वरूप रहा है वो धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तित होता चला गया। जैसे पहले प्रबंध गान ये प्रचलित रहा, उसके बाद उससे ही प्रेरित होकर ध्रुपद गायकी आई, और ध्रुपद गायकी से प्रेरित होकर ख्याल आया और आगे उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, इस प्रकार की जो गायन शैलियाँ हैं ये प्रचार में आईं और बहुत सराही गई। क्योंकि देशी संगीत का जो एक उद्देश्य है वो है जनरंजन या लोकरंजन, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो शैलियाँ प्रचार में आईं ये शैलियाँ जनरंजन और लोकरंजन के मापदंड पर बिल्कुल खरी उतरती थी। इसी परिवर्तन का एक और स्वरूप जो है, एक और हमें कहना चाहिए एक रिजल्ट जो है वो सामने आया, वो है कि हिंदुस्तानी संस्कृति में, या हम कहें कि हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा में दो शैलियाँ या दो प्रकार की पद्धतियाँ जो हैं वो प्रचार में आई। एक तो थी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दूसरी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति को हम कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। ये दोनों शास्त्रीय संगीत का ही प्रकार रहे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसका विस्तार से मैंने आपको इसकी व्याख्या बताई है इससे पहले के व्याख्यान में कि किस प्रकार से प्रबंध से ध्रुपद गायकी क्या है, ध्रुपद से जो है किस प्रकार से आपका ख्याल आया, ख्याल के आने के क्या कारण रहा कि ख्याल जो है वो अधिक प्रचलित, अधिक पॉपुलर हुए लोगों में, और इसके साथ साथ ही उपशास्त्रीय संगीत ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, इस प्रकार की जो गायन शैलियाँ जो है ये प्रचार में आई, तो इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम पहले चर्चा करेंगे कर्नाटक संगीत यानी दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के विषय में। और इस शैली की जब हम बात करते हैं तो जब हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं और साथ साथ कर्नाटक संगीत को सुनते हैं तो एक स्पष्ट रूप से सबसे पहला जो अंतर हमें दोनों में दिखता है वो है उच्चारण और स्वर का लगाव, या स्वर का किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, स्वर को कैसे गाया जाता है, वो जो है सबसे बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देता है, सबसे बड़ा अंतर हम उस पर इसको पाते कि सुर का लगाव जो है वो अलग है। हालांकि जब हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अलग अलग घराने हैं, अलग अलग स्थानों पर या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है एक स्टाइल को डेवलप किया गया जिसको कि घराना, जो उसको आगे चलकर तीन पीढ़ियों ने जब उसको लगातार अपना कर उसको आगे बढ़ाया है तो फिर वो घराने का नाम आया। तो ये तो स्वरों का लगाव कहें, गायन की प्रक्रिया कहें, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घरानों में भी अलग अलग तरह से दिखता है, लेकिन वहाँ पर जो पद्धति को फॉलो किया जाता है, जो शास्त्र को फॉलो किया जाता है वो एक ही शास्त्र है। जैसे हम राग यमन की बात करते हैं तो रामपुर में राग यमन को जिस प्रकार से बरता जाता है ग्वालियर में थोड़ा सा अलग होगा, स्वर वही है, चलन भी वही है, लेकिन किस प्रकार से गायकी को प्रस्तुत किया जा रहा है, किस प्रकार से स्वरों को लगाया जाता है या राग का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, गायन की तकनीक कैसे होगी, वो कहीं ना कहीं वो डिफर करती है। इसी प्रकार से हम कहें कि किराना घराना, तो घरानों की यानी अलग अलग शैलियाँ जो डेवलप हुई ये अपने आप में इनमें कुछ विशिष्टताएँ थी जिसकी वजह से ये अलग अलग अपने आप को स्थापित कर पाई।
बात करते हैं कर्नाटक संगीत की यानी दक्षिण भारतीय संगीत की, तो हम साधारण तौर पे देखें कि उच्चारण जो स्वरों का किया जाता है वो बिल्कुल अलग होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। अब कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत की बात करते हैं तो पहले तो हम ले लेते हैं समानताएं कि दोनों में क्या समान है, क्या एक जैसा है। जैसे कि मैंने बोला कि विश्व का कोई भी संगीत है वो 7 स्वरों पर आधारित है, या हम विकृत स्वरों को ले लें तो 5 विकृत स्वर जो हैं रेगा धनी कोमल और मध्यम तीव्र, ये 5 विकृत स्वरों को जोड़कर 12 स्वर बन गए। तो लगभग इन्हीं 12 स्वरों में पूरे विश्व भर का संगीत जो है वो आधारित है। जब हम दोनों की समानताओं की बात करते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक संगीत की, तो सबसे पहली समानता ये मिलती है कि इसमें संगीतोपयोगी नाद से 22 श्रुतियों का जन्म हुआ। और क्योंकि संगीत रत्नाकर जो है ये आधार ग्रंथ दोनों शैलियों के लिए है, दोनों पद्धतियों के लिए है, तो 22 श्रुतियों से ही जो है जो संगीत उपयोगी नाद है उसकी उससे 22 श्रुतियों का की उत्पत्ति मानी जाती है। एक सप्तक में जो है 22 श्रुतियां हैं और उन 22 श्रुतियों में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों की स्थापना है। तो ये एक कॉमन बात है जो कि हम कहें कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी मिलता है और कर्नाटक संगीत यानी दक्षिण भारतीय संगीत में भी हमें मिलता है। जिस प्रकार से उत्तर भारतीय संगीत में थाट जो है उसको जनक माना गया है और जो राग है जो उस थाट में से उत्पन्न हो रहा है उसको जन्य माना गया है, ऐसे ही दक्षिण भारतीय संगीत में भी थाट परंपरा जो है उसमें जनक और जन्य की बात है जिसको मेल कहा जाता है। हम ये अक्सर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि पंडित वेंकट मक्खी ने चतुर्दंडिक प्रकाशिका जो ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने 72 मेलों का के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है, जिसमें से कि 19 मेल जो हैं वो प्रयोग में है, बाकी उन्होंने हर एक का उन्होंने पूरा डिटेल स्टडी बताया है। तो इन मेलों पर वहाँ की जो राग रागनियाँ हैं इन मेलों पर आधारित हैं। हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो आजकल प्रचलन की बात करें उसमें पंडित भातखंडे जी ने 10 थाट पद्धति यानी दशविध थाट पद्धति को बताया, जिसमें कि 10 थाट हैं और उन थाटों में से ही रागों की उत्पत्ति होती है। ये कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर हैं 72 मेल पद्धति जो पंडित वेंकट मक्खी ने बताई है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, क्योंकि एक साधारण तौर पर मैं यदि विद्यार्थियों को ऐसा कहूँ कि असंख्य राग हैं उन रागों को याद करना बहुत मुश्किल है। मैं एक सरल सी परिभाषा बताती हूँ कि उनको याद करना बहुत मुश्किल है कौन सा राग कैसा है उसका स्वरूप कैसा है उसको कैसे याद रखें, तो ये थोड़ा सा कठिन काम है। तो इसी चीज़ को यदि पंडित वेंकट मक्खी ने 72 मेलों के अंतर्गत डाला तो उसको भी हमें कहीं ना कहीं नोट करना पड़ा या उसको देखते हुए हमें अक्सर हम रागों की जो चर्चा करें तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मैं जहाँ तक बात करूँ तो शायद इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पंडित भातखंडे जी ने 10 जो है थाटों को माना, और ये जो 10 थाट हैं इनको नाम भी ऐसे रागों के आधार पर दिया जो कि थाट के बिल्कुल हूबहू स्वरूप को अपने आरोह और अवरोह में संजोए हुए, यानी उन्हीं उनका बिल्कुल जो स्वरूप है राग के जो के आरोह अवरोह के स्वरूप से बिल्कुल मिलता है। थाट हमें ज़रूरी नहीं है थाट में आरोह अवरोह लें, हम आरोह से भी थाट बोल सकते हैं, जैसे कि भैरव में हम कहते हैं सारे गमा पधनी और रे और ध कोमल कर दें। थाट जो है वो ये दर्शाता है कि राग के में शुद्ध और विकृत स्वरों की क्या स्थिति है वो बताता, ऐसे रागों का जो कि थाट से बिल्कुल मेल खाते उनका नाम भी जो है थाट को दे दिया गया, तो ऐसे रागों को आश्रय राग कहा गया। जैसे खमाज की बात करें तो खमाज में कोमल नी लगा दें तो खमाज हो गया, यानी थाट के लिए 7 स्वरों का होना ज़रूरी है। ये मैं बातें आपको पहले भी बता चुकी, बीच बीच में चीज़ों को दोहराती हूँ। अक्सर ये भी एक प्रश्न होता है कि आप उसको क्यों दोहराती हैं, क्योंकि जब हम कोई राग बता रहे होते हैं तो ये
एक तरह से मस्ट है या एक तरह से होना चाहिए कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको बार बार दोहराना चाहिए ताकि आगे के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हों। तो इस प्रकार से थाट पद्धति जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पॉपुलर है, और वही चीज़ दक्षिण भारत में 72 मेल जो पद्धति है वो पॉपुलर है, जिसमें से कि पंडित वेंकट मखी ने 19 थाटों का जो है उसका ही अधिक प्रयोग इसमें मिलता है। अब इन पद्धतियों में जैसे मैंने कहा कि 12 स्वर हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर हैं, ये कर्नाटक संगीत में भी मिलता है, और लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। स्वरों की स्थापना जो श्रुतियों पर रहती है तो वो किस प्रकार से, जैसे हम कहते हैं कि हम संगीत रत्नाकर को बेस बना के गाते कि चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमः और त्रिस्थि ऋषभ धैवतो द्वय द्वय निषाद गांधारो त्रिस्थि ऋषभ धैवतो, ये हम साधारण उस पर कहते हैं कि भाई चार 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 श्रुतियाँ जो है वो षड्ज मध्यम और पंचम के पास हैं, और तीन तीन श्रुतियाँ जो हैं वो ऋषभ धैवत के पास है, और दो दो श्रुतियाँ जो है निषाद और गांधार के पास है। तो इस प्रकार से टोटल 22 श्रुतियाँ जो हैं ये हिंदुस्तानी पद्धति इसको फॉलो करती है। अब कर्नाटक संगीत पद्धति की हम बात करें तो इसमें इन जो 12 स्वर हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर, ये 12 स्वर जो हैं ये श्रुतियों पर कैसे आधारित हैं ये जब मैं आपको इन पॉइंट्स के बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी, जहां मैं तुलना करूंगी उनकी और हिंदुस्तानी संगीत की। अब जिस प्रकार से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आरोह और अवरोह जो है एक शरीर प्रदान कर देता है राग को, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस राग में ये स्वर कोमल है, ये तीव्र है या ये शुद्ध है, राग की बनावट इस आधार पर होगी। मैं अक्सर कहती हूँ कि आरोह अवरोह इज लाइक अ स्केलेटन जिसके ऊपर हम हमारा चर्म या हमारे ऑर्गन्स ये सब स्थापित होते हैं। स्केलेटन का होना बहुत ज़रूरी है, यदि हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा ही नहीं है तो हमारा शरीर तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से राग में ये जानना ज़रूरी है कि आरोह अवरोह क्या है, स्वरों कौन से स्वर इस्तेमाल होते हैं, किस स्वरूप में होते हैं, कोमल या तीव्र या शुद्ध, यह हमें पता चल गया तो हम राग की का विस्तार, राग की अलापचारी, राग के पलटे, ताने, बंदिशें बहुत सहज रूप से हम उनको कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही दक्षिण भारतीय पद्धति में भी है, वहाँ भी आरोह और अवरोह है उसको एक शरीर के रूप में माना गया है जिस पर फिर आगे चल के जो है रचनाएँ की जाती हैं। इन दोनों पद्धतियों में ताल की दृष्टि से जो है ताल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका ध्यान दोनों पद्धतियों में रखा जाता है कि जो भी निबद्ध रचनाएं हैं उनमें तो ताल है ही, लेकिन ताल की अपने आप में जो है बहुत महत्व है दोनों पद्धतियों में। तो लगभग ये जो है समानताएं जो हैं वो इनमें इन पद्धतियों में दोनों पद्धतियों में मिलती हैं। एक और चीज़ जो है जो समानता वो है कि दोनों में जो निबद्ध रचनाएं हैं वो अलग अलग सी हैं, लेकिन निबद्ध रचनाएं दोनों में गाई जाती हैं। हम हिंदुस्तानी की बात करें तो हम जैसे ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, दाद, ये सब निबद्ध रचनाएं यानी बंधी हुई, जो बंधी हुई है। अनिबद्ध का मतलब जो बंधन में नहीं है, जो आलापचारी जिसमें ज़्यादा वो अनिबद्ध। तो निबद्ध रचनाएं दोनों पद्धतियों में गाई जाती हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात है वो है कि स्वरों की स्थापना हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिण संगीत पद्धति यानी कर्नाटक संगीत पद्धति में कैसे है। हम कहते हैं कि सबसे पहले हम शुद्ध जो स्वर की बात करें, हम सबसे पहले सा की बात करते हैं, तो पहला स्वर जो है वो सा है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दूसरा स्वर इसके बाद कोमल रे आता है, फिर तीसरा आपका शुद्ध रे आता है, फिर चौथा आपका कोमल गांधार आता है, पांचवा शुद्ध गांधार आता है, छठा शुद्ध मध्यम आता है, सातवा तीव्र मध्यम आता है, आठवा कोमल धैवत आता है, नवा शुद्ध धैवत आता है, दसवा जो है कोमल निषाद आएगा, ग्यारहवा शुद्ध निषाद आएगा, और बारहवा जो है वो तार सप्तक का सा जिसे हम कहते हैं कि शुद्ध नहीं। अब हम जब इसकी बात करें तो मैं पुनः एक बार इसको बताती हूँ। पहला स्वर सा है, दूसरा कोमल ऋषभ हिंदुस्तानी पद्धति में, तीसरा शुद्ध ऋषभ, चौथा कोमल गांधार,
पांचवा शुद्ध गांधार, छठा जो है वो आपका शुद्ध मध्यम, सातवां तीव्र मध्यम, आठवां आपका कोमल धैवत, नवा आपका शुद्ध धैवत, दसवां आपका जो है वो आपका कोमल शुद्ध धैवत, और ग्यारहवां आपका कोमलनी, बारहवां आपका शुद्धनी आता है। ये क्या कहते हैं स्वरों की स्थापना है। अब हम जब कर्नाटक की बात करते हैं तो पहला शुद्ध सा आता है, दूसरा शुद्ध रे, तीसरा शुद्ध ग जिसको कि चतुश्रुतिक ऋषभ भी कहते हैं, चौथा साधारण ग यानी षटश्रुति रे, पांचवा अंतर गांधार आता है, छठा शुद्ध मध्यम, सातवा प्रति म, आठवा पंचम, नवा शुद्ध धैवत, दसवा शुद्ध निषाद यानी चतुश्रुतिक धैवत, ग्यारहवा कैशिकनी और बारहवा काकलीनी। मैं शायद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बताते हुए पंचम को शायद मैं छोड़ गई थी, तब मैं पुनः मैं इसको आपको बताती कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पहला स्वर सा, दूसरा कोमल ऋषभ, तीसरा शुद्ध ऋषभ, चौथा कोमल गांधार, पांचवा शुद्ध गांधार, छठा मध्यम, सातवा तीव्र मध्यम, आठवा पंचम, नवा कोमल धैवत, दसवा शुद्ध धैवत, ग्यारहवा कोमल निषाद और बारहवा शुद्ध निषाद। तो ये बारह स्वर जो है विकृत वो जो है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मिलते हैं, और ये विकृत स्वर जो है जो कर्नाटक संगीत की बात करते हैं, आप इनकी तुलना के हिसाब से देखिए, पहले उस पर स्वर जो है पहला स्वर वो सा दोनों में माना गया है, दूसरा हम लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कोमल ऋषभ कहते हैं वो शुद्ध ऋषभ मानते हैं, तीसरा स्वर हिंदुस्तानी में शुद्ध रे है और कर्नाटक में शुद्ध गांधार यानी चतुश्रुतिक ऋषभ, चौथा जो है वो साधारण गांधार यानी षटश्रुतिक ऋषभ माना जाता है कर्नाटक में और हम लोग उसको कोमल गांधार कहते हैं, पांचवा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुद्ध गांधार स्वर है उनका अंतर गांधार यानी कर्नाटक संगीत में अंतर गांधार, छठा स्वर जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुद्ध मध्यम और कर्नाटक संगीत में भी शुद्ध मध्यम माना जाता है, सातवा स्वर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तीव्र मध्यम और कर्नाटक संगीत में प्रति मध्यम माना गया है, आठवा स्वर पंचम दोनों में पंचम माना जाता दोनों पद्धतियों में, नवा स्वर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति में कोमल धैवत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पद्धति में शुद्ध धैवत माना जाता है, दसवां स्वर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुद्ध धैवत और कर्नाटक पद्धति में शुद्ध निषाद यानी चतुश्रुतिक धैवत माना गया है, ग्यारहवां स्वर कोमल निषाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति में और कर्नाटक शैली में इसको कैशिक निषाद यानी षटश्रुतिक धैवत माना गया है, बारहवां स्वर जो है वो शुद्ध निषाद माना गया है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में और कर्नाटक में उसे काकली निषाद माना गया है। तो ये दोनों 12 स्वर तो हैं शुद्ध और विकृत मिला के, लेकिन स्वरों की स्थापना किस प्रकार से है ये मैंने आपको बताया, आप पुनः इस चीज़ को ध्यान से नोट कीजिएगा कि जो मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्वर बताए हैं 12 स्वर, उसमें पंचम जो है वो आपका आठवीं मात्रा पर पंचम आता है, जो शायद मैं अपने शुरुआत में छोड़ के आगे चली गई थी, तो इसको आप करेक्ट करिएगा। अब जो शुद्ध ठाट की बात आती है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वो है बिलावल, बिलावल यानी सा रे गा मा पा धा नी, ये सारे शुद्ध स्वर जो ये राग बिलावल, हम इसको शुद्ध ठाट यानी हम इसको अपना मेन स्केल मानते हैं। अब कर्नाटक की बात आती तो वहाँ पर कनकांगी जो है वो शुद्ध ठाट माना गया है, जिसका कि स्वरूप क्या है कि षड्ज कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत और सा, ये कुछ इस प्रकार होगा, सा रे रे सा रे, कोमल ऋषभ पहले आएगा सा रे रे मा पा दा धा सा, तो इस प्रकार से ये इनका शुद्ध ठाट, सा रे रे मा पा दा धा सा, और हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, हम कह के अंतर है
दोनों पद्धतियों में। अंतर की अभिन्नता की बात कहें, दोनों शैलियाँ अपने आप में बहुत उत्कृष्ट शैलियाँ हैं, लेकिन जो भिन्नताएं हैं उसको जानना विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों पद्धतियाँ आफ्टरऑल हैं क्या, इनमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। तो कर्नाटक, अब ताल की दृष्टि से देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। कर्नाटक शैली में जो है ताल सीमित है, यहाँ मुख्यतः 7 ताले जो हैं वो मेन है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को देखा जाए तो बहुत सी ताले हैं और बहुत सी नई ताले भी हैं जो उनको बनाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। और इसमें जो कर्नाटक शैली में जाति के भेद से एक ही ताल की अनेक मात्राएं होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ध्रुव ताल की चतस्त्र जाति में 14 मात्राएं, त्रिस्त जाति में 11 मात्राएं, मिश्र जाति में 23 मात्राएं और खंड जाति में 17 मात्राएं और संकीर्ण जाति में 29 मात्राएं होती हैं। यानी एक ही ताल में अलग अलग जातियाँ और उनमें अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो कर्नाटक शैली में मिलती है। हिंदुस्तानी शैली की बात करें तो उसमें जो ताल है उसकी मात्राएं फिक्स होती है। जैसे झप ताल है तो 10 मात्राएं हैं, 3 ताल है तो 16 मात्राएं हैं और 1 ताल है तो 12 मात्राएं, 4 ताल है तो भी 12 मात्राएं हैं। 2 सेम नंबर की ताले जो हैं, यानी सेम मात्राओं की ताले दो अलग हो सकती, लेकिन उनकी उनकी वादन शैली, उनके जो बोल हैं या जिन पर उनको बजाया जाता है वो वाद्य, वो अलग है। जैसे कि 4 ताल की बात करें तो 4 ताल जो है उसमें 12 मात्राएं, 1 ताल में भी 12 मात्राएं हैं, बोल अलग है। उदाहरण के लिए तबले पर हम इसको देखते हैं, पहले हम 4 ताल देखते हैं, 8 धा अदिन ता तीत कत गदी गिन धा धा दिन ता केट धा दिन ता पेट कत गदी गिन धा। तो आप देखिए ये पूरी 12 मात्राएं थी। फिर से हम एक बार करते हैं, मात्रा को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, यहाँ 12 मात्राएं हैं। इसी इन्हीं 12 मात्राओं से एक और ताल निर्मित है, वो एक ताल धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए बोल फर्क है, यह है धा धा धिनता किट धा धिनता, ये पखावज के बोल हैं, और एक ताल में धिन धिन धागे त्रिकट तू ना कत्ता धागे त्रिकट धीना, ये तबले के बोल हैं। तो ये डिफरेंस है, हिंदुस्तानी परंपरा में इस प्रकार की ताले भी मिलती हैं। अब तालों के जो बोल हैं वो मृदंग पर बजाए जाते हैं कर्नाटक शैली में, इसलिए उस पर आधारित है। हिंदुस्तानी पद्धति में तालों के बोल जो है, जैसे मैंने अभी उदाहरण पर बताया आपको कि एक ताल जो है वो तबले की ताल है, 4 ताल जो है वो पखावज की है, तो बोल तबले या पखावज के आधार पर बने हैं। यहाँ पर जो हिंदुस्तानी शैली की बात करें तो उसमें जो पहली मात्रा है उसको सम कहते हैं, और दक्षिण में जो है पहली मात्रा को जो है वो घात कहते हैं, यानी पहला जो संघात होता है उसको घात कहते हैं। जो खाली की बात करते हैं, खाली हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उसको खाली निशब्द क्रिया कहते हैं, कर्नाटक संगीत शैली में उसको विसर्जनम कहते हैं, जो खाली है दिखाते हैं। इसके भी 3 भाग है, पताकम, कृषय और सर्पिणी। तो ये जो है डिफरेंस जो है हम ताल की दृष्टि से हम लेते हैं। कर्नाटक शैली में ताल जो पद्धति में जो तालों के बोलों का जो स्थान था उसको चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जितने चिन्ह होते हैं उतने विभाग होते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी शैली में तालों के जो बोल होते हैं उनके विभाग और मात्राओं पर निर्धारित होते हैं, और बोल जो है वो चिन्ह सिर्फ ताली और खाली के लिए या मात्रा के लिए दिया जाता है, लेकिन बोल उसके तबले और पखावज के हिसाब से होते हैं। तालों की जो जातियों के आधार पर जो है ताल की मात्राओं का निर्णय लिया जाता है कर्नाटक संगीत में।
हिंदुस्तानी संगीत में ताल की मात्राएं और विभाग जो है वो पहले से ही निर्धारित होती है और उसके हिसाब से जो है ताल की जो जातियाँ हैं वो पहले से निर्धारित होती है कि भाई ये इतने मात्रा की ताल है, ये इतने मात्रा की ताल है। बाकी एक आखिरी जो इनमें भिन्नता मैं बताऊंगी वो कि ताल के 6 अंग हैं कर्नाटक पद्धति में, लघु, द्रुत, अनुद्रुत, गुरु, प्लुत और काकपद, और हिंदुस्तानी शैली में ताल के अंग नहीं हैं। इनके विभागों को ही विशेष महत्व दिया जाता है कि कितने विभाग हैं, दादरा में है तो कितने विभाग हैं, दीपचंदी में है तो कितने विभाग हैं, जत में है तो कितने भाग हैं, तीन ताल में कितने विभाग हैं, इन विभागों के आधार पर जो है वो ताली और खाली का निर्धारण होता है। तो मोटे तौर पे ये कर्नाटक पद्धति और हिंदुस्तानी पद्धति में ये तालों की दृष्टि से ये भिन्नताएं मिलती हैं। इसी विषय को हम आगे और आपको बताएंगे।